नमस्कार, मैं हूं धीरेंद्र अकबर और इस वक्त हम मोट तहसील के खंड विकास मोट कार्यालय में मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे की ओर, यहां सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। और सबसे पहले हम आपको इस बोर्ड की ओर नजर डालिए। आप इस बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कार्य का नाम, विकासखंड परिसर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण। बस 2020 और 21 में इसका निर्माण हुआ है। खंड विकास मोट है, जनपद झांसी है और स्वीकृत धनराशि 2,99,000 है। ये और बाकायदा यहाँ पर जो खंड विकास अधिकारी है कप्तान सिंह चाहर भी, उनका नाम लिखा हुआ है। हम आपको बिल्कुल दिखाना चाहेंगे कि आपको ये दो सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, एक पुरुष का है एक महिलाओं का है। और करीब 2 से 2.5 वर्ष बीतने के बावजूद भी यह अभी खुले नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस समय सोसाइटी के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त यहाँ पर लोगों को लगातार आना जाना है। महिलाएं भी यहाँ पर अपने नामांकन के लिए आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोगों को चाहे वो शौचालय के लिए जाना हो या वॉशरूम के लिए जाना हो, लोगों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं विकास के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब खंड विकास कार्यालय में ही विकास की रफ्तार रुक गई हो तो ग्रामीण स्तरों पर क्या काम हो रहा होगा। ऐसे ही तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे और इस खबर के बाद संबंधित अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, ये भी हम देखेंगे। धीरेन्द्र राय के बाद न्यूज 30 एक्सप्रेस झांसी।